दोनों पैरामीटर्स में अयोध्या में कमाल होने जा रहा है और दुनिया भर के लोग अयोध्या में आएंगे रामलला के दर्शन करने आएंगे और उसकी भव्यता देख भी गदगद होंगे जी सर राहुल गांधी ने जिसया तेलंगाना बनवाया उसके बाद केरल के कविता का कहना है कि राहुल गांधी जब अगली बार आए तो यहाँ पे ढोसा खा के ना जाए माटे ऑफ मदर से भी मिल के जाए और वो कोई बबर शेर नहीं है को जवाहरलाल नेहरू से लेकर इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी से लेकर ले सोनिया गांधी तक ये लड़ाई संघर्ष चलता रहा और लोगों ने अपनी जान गुआई तेलंगाना को बनाने के लिए ये कोई परोस को नहीं दे दिया था तेलंगाना इसलिए दे दिया था कि कोई मेहरबानी कर रहे थे मजबूरी में दिया था और दे इसलिए नहीं दे थे कि इनकी सत्ता की राजनीति चलते हुए ये दे नहीं रहे थे तो ये तो राहुल गांधी को शायद जानकारी नहीं है कि कितनी लोगों के साथ येlinalgna करी हुई जी सर अखिलेश यादव के कांग्रेस पार्टी को लेके जो बयान थे उसके बाद कमलनाथ ने जिस तरह से उन्हें अखिलेश बोला और उसके बाद फिर से समाजवादी पार्टी के एमपी रामगोपाल गोपाल यादव वो कह रहे हैं कि मुझे इस बारे में तो खैर कुछ नहीं कहना क्योंकि ये सब छुट भैया देखिए अब वो छुट नेता कमलनाथ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बारे में क्या बोलते हैं ये अब दिख रहा है ये ओपन में आ गया है वादे कुछ और किए गए थे बातचीत कुछ और हुई थी और हो कुछ रहा है वादा था कि हम मिलकर चुनाव लड़ेंगे राज्यों का भी आज

टी टीएमसी कैसे बोलेगी अब टीएमसी का एक नया नाम हो गया दी मोस्ट करप्ट पार्टी वो बंगाल की खदानों से लेकर पार्लियामेंट तक कट मनी रिश्वत लेना पैसे लेना करोड़ों रुपए की हेराफेरी करना उनके मंत्री के यहाँ से करोड़ों रुपया घरों से जब्त होता है सबने देखे थे वो उनके कई सारे मंत्री जेल में हैं उनके जो श्रेणी में दूसरे नेता हैं अभिषेक बनर्जी उनके खिलाफ जाँच हो रही है अब हद तो तब होगी जब मोहम्मद ने पार्लियामेंट में प्रश्न उठाने तक के पैसे ले लिए तो देखता है कि क्या है अपेक्षा करते हैं कि कमेटी तुरंत जांच कर कर इसकी पुख्ता जांच कर कर उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी और उनको पार्लियामेंट से विदा करेगी जी सर वसुंधरा राजे का भी नाम था उनको जिस से था, वहां से उन्हें लड़ाया गया उसके बाद उन्होंने को को और अन्ना को भी थैंक नहीं वसुंधरा राजे हमारे राज्य की बड़ी नेता है मुख्यमंत्री रही हैं और उनका पूरा मान सम्मान भी है और पार्टी पूरी मिलकर एक साथ चुनाव जीत रहे हैं हम चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव जीत रहे हैं सुनिश्चित इस बार टू थर्ड मेजोरिटी के साथ हम वहाँ पर सीटें जीतेंगे जी सर तो मध्य प्रदेश की भी पांचवी लिस्ट जो है कल जारी करी गई उनका कहना है कि लिस्ट बहुत अच्छी है ये सारे विनिंग कैंडिडेट्स हैं हमारी सरकार जरूर जरूरिटी से बनेगी कांग्रेस के खेमे में हलचल है कि इतने बड़े बड़े नेता भाजपा ने उतार दिए तो उनके सामने कैसे हम टिक पाएंगे और सुनिश्चित वहाँ पे जो जन लोकप्रिय नेता हैं हमारे वे सबके सब चुनाव लड़ रहे हैं और सुनिश्चित हम सरकार बना रहे हैं